आगे बात करते हैं PCOS को कैसे डायग्नोस किया जाता है और हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वह आपकी हिस्ट्री लेंगे या आपसे सवाल पूछेंगे, जैसे कि आपके जो मैं क्लिनिकल क्राइटेरिया बता चुकी हूँ उसके लिए चेक करेंगे। दूसरी चीज है, वह आपका एग्जामिनेशन करेंगी, इंटरनल एग्जामिनेशन या पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगी, साथ में कुछ हार्मोन्स के टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। हार्मोन्स के टेस्ट में जो मेल एंड्रोजेंस के या टेस्टोस्टेरोन लेवल्स टेस्ट कराए जा सकते हैं। इसके अलावा एक नया टेस्ट है एंटी मलेरियन हार्मोन, उसका भी कुछ लोग टेस्ट कराना शुरू कर चुके हैं। अभी AMH के 100% डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं आए हैं, बट एज अ गाइडेंस कभी कभी यूज किया जाता है। इसके अलावा आपके जो टेस्ट होते हैं वह शुगर रिलेटेड होते हैं, कि अगर आपको शुगर की कोई रिस्क तो नहीं है, इसके चेकअप करवाए जाते हैं। स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप PCOS के पेशेंट हैं तो आपके जो शुगर टेस्ट हैं वह ज़्यादा फ्रीक्वेंट किए जाएंगे। और नेक्स्ट जो आपका इन्वेस्टिगेशन होता है वह अल्ट्रासाउंड के माध्यम से होता है, जो हम कहते हैं ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी या इंटरनल अल्ट्रासाउंड। इसके माध्यम से हम आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, गर्भाशय को, ओवरी को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और देख सकते हैं सब कुछ ठीक है या नहीं है। और ओवरीज में ऐसी स्थिति में ज्यादातर मल्टीपल मतलब बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट या फॉलिकल्स दिखते हैं, जो कि ज्यादातर एक अंडाशय में 10 से ज्यादा मिलते हैं, और तब हम ये शक होता है कि आपको PCOS हो सकता है। तो PCOS की जो डायग्नोसिस है वह क्लिनिकल मतलब आपके जो सिम्टम्स हैं, जो आपके साइंस हैं उनसे और ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डायग्नोसिस बनती है। जैसे कि मैं साइंस के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका फेशियल हेयर बढ़ जाना या फिर एक्ने मुहासे बहुत ज्यादा आते हैं या फिर वजन बहुत ज्यादा होता है, ये ज्यादातर साइंस आपके होते हैं PCOS रिलेटेड। Thank you.